क्या बात है, अब फिट दिखाई दे रहे हो, सब ठीक है? आज मैंने शर्मा को उस लड़के के साथ पार्क में मुलाकात करते हुए देखा। क्या पार्क में मुलाकात लड़के के साथ? आपने तो कहा था कि उसके अम्मा अब्बा ने कहा है कि वो कुछ वक्त लेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे, लेकिन वो तो उस लड़के के साथ और उसकी माँ के साथ मुलाकातें करती थे रही है, क्या ये सब? नहीं नहीं वो लोग ऐसे नहीं हैं कि उनकी बेटी सरे आम लड़कों से पार्क में मुलाकातें करती फिरे। हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। मुझे कोई गलत फहमी नहीं है। जो उसकी दोस्त थी, क्या नाम है, मुनीजा, एकदम उसके घर पे भी थी, वो भी थी वहां पे। पता नहीं ये लड़की क्या खेल खेल रही है। वो लोग इतने बोल्ड तो नहीं है कि उनकी बेटी इस तरह से जिंदगी के फैसले लेती फिरे। खेल खेल रहे, खेलना तो मुझे भी आता। तो तुम्हें ऐसी लड़की के पीछे हलकान होने की क्या जरूरत है? तुम्हें लड़कियों की कमी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर छोड़ो उस लड़की का ख्याल। आपको याद है मां, आप हमेशा कहा करती थी कि आतिफ जिद का बड़ा पक्का है। एक बार अगर किसी चीज का इरादा कर ले तो चाहे दुनिया इधर इधर की हो जाए वो हासिल करके रहते हैं। देखो बेटा सब ठीक है, लेकिन जिंदगी के फैसले मेरे लिए वही ठीक है। और उसको तो हासिल में करके छोड़ कैसी हो? ठीक। अम्मा मिली थी ना तुमसे, बहुत सारी बातें भी की हैं उन्होंने, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा जो बुरा लगे मुझे। यार वो उस गांव की सीधी सादी सी औरत है, उनको समझ में नहीं आता कि क्या कहना है क्या नहीं, जो दिल में आता है कह देती हैं। पता नहीं क्या क्या बातें करती रही होंगी तुमसे। मुझसे तो उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि तुम हर वक्त मेरा जिक्र करते रहते हो और ये कि तुम मुझे पसंद करते हो। पसंद तो बहुत छोटा लफ्ज है सुनना, अंदाजा नहीं है मैं तुम्हें। हमें तुम्हारे घर आना चाह रही थी, बहुत अच्छी लगी हो तुम उनको, कह रही थी बहुत खुश नसीब होगा जिसके नसीब में तुम होगी। सलमा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये जो मेरे और तुम्हारे दरमियान स्टेटस का फर्क है ये मैं अच्छी तरह देख सकता हूँ। मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन तुम्हारे घर वाले भी इग्नोर कर देंगे, ये इतना बड़ा मेरा तुम्हारा डिफरेंस। मुझसे तुम्हारी अम्मी तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहती हैं, ऐसे ही मेरे माँ बाप भी मेरी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश हूँ भी कि नहीं। मुझे गांव देखने का बहुत शौक है। सिर्फ देखने का नहीं, रहने का भी। गांव अच्छा लगता है? बहुत। और गांव वाला? गांव वाला मतलब ऐसा जल्दी बोल। मतलब
गांव वाला भी। हाँ। इश्क के रोग को जानिए लादवा। जैसे तुम्हारी अम्मी तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहती हैं, ऐसे ही मेरे माँ बाप भी मेरी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। बहुत अच्छी लगी हो तुम, कह रही थी बहुत खुश नसीब होगा जिसके नसीब में तुम की। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश हूँ भी कि नहीं। मुझे गांव देखने का बहुत शौक है। गांव अच्छा लगता है? बहुत। और गांव वाला? गांव वाला ऐसा मतलब गांव वाला भी। चाय? क्यों? मुझे तुमसे खास बात शेयर करनी। सिकंदर के बारे में? यस। पता था मुझे, अपनी पसंद का इजहार किया उसने। सिर्फ पसंद का? वेल, उसने कहा है कि पसंद बहुत छोटा सा लफ्ज है। देखा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उसके दिल में बहुत खास जगह है तुम्हारे लिए। फिर तुम्हें तुम्हें अपनी अम्मी से मिलवाने के लिए लेके क्या था? उसकी अम्मी ने भी कहा है कि बेटा मैं आपके घर आना चाहती हूँ। खुशी की बात है ये। आई नो। बहुत खुशकिस्मत हो तुम, इतना प्यार इतनी चाहत नसीब वालों को मिलता है। ठीक कह रही हो, प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर मुझे लगता है तुम्हारे अम्मी अब्बा तुम्हारी शादी अमीर लोगों में करवाना चाहते हैं। अम्मी अब्बा वही करेंगे जो मैं कहूंगी। बचपन से उन्होंने मेरी कोई बात नहीं डाली। तो बस फिर तुम अपने प्यार के लिए डट जाना, किसी प्रेशर वगैरह में मत आना। सिकंदर जैसा शख्स दोबारा नहीं मिलेगा। उस जैसा शख्स और कोई है ही नहीं। भाई तुम जरा वो मिसेज असदुल्ला को फोन कर लेना, असद साहब मिले से कल, कह रहे थे उनकी बेगम की कोई खास तबीयत नहीं थी। ठीक। अच्छा, कर लूंगी कॉल, बल्कि मैंने आज मिस शाहिद मलिक को भी फोन करना है। अच्छा, कोई खास बात है? नहीं, कोई खास बात तो नहीं है। पिछली दफा फोन पर कुछ जरा तलखी हो गई थी, चाह रही थी कि उसका असर जायल कर लूं। वही कॉलेज में स्टूडेंट्स के सामने गाना गाने वाली बात? लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है कि उनका इतना कसूर भी नहीं था। उन्होंने तो शायद नेक नियति से मुझे आगाह किया था ना। आगाह नहीं किया था, शिकायत लगाई थी। चलें, जो भी है, मगर सच्ची बात तो ये है कि मुझे लड़का बहुत पसंद है और उन लोगों की भी बड़ी ख्वाहिश है। पता, मेरी बड़ी मर्जी है कि सलमा की शादी यहीं हो। दूर की बातें हैं ऐसी, आप अपने आप को उस वक्त इन बातों से हलकान ना करें। अरे कौन सी दूर की बातें, बेटी की शादी का वक्त तो अचानक सर पे आन खड़ा होता है। और सुने, आपकी जिद की वजह से हमने उन्हें इनकार किया था। इससे अच्छा रिश्ता ना आया ना, तो यकीन माने मैं सलमा की शादी यहीं करूंगी। बस वक्त आएगा ना तो देखा जाएगा।
उस वक्त पता नहीं उनको कौन सी लड़की पसंद आती है, कोई लगे उनको बेहतर। हमारी सलमा से अच्छी लड़की उन्हें पूरे लाहौर में कहीं नहीं मिलेगी जी। ये तो है। मेरी अनक कहाँ है भाई? हेलो, अस्सलाम वालेकुम फरहत बहन, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। बहुत दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई थी, सोचा आपको फ़ोन कर लूँ, उससे गपशप करूँ। अभी तो मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, बाद में बात करते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। किस बात पे यकीन नहीं आ रहा मम्मी? मैं पुराने ताल्लुकात, उनका भी लिहाज नहीं किया, इतनी बेरुखी, इतना नखरा, इतनी बदलिहाजी। किसकी बात कर रही हैं आप? शाहिद मलिक की बेगम की। आज फ़ोन किया था ना उन्हें, मैंने कहा चलो इतने अरसे से बातचीत नहीं हुई तो फ़ोन करके गपशप लगाते हैं। बोली मैं तो कहीं जा रही हूँ और ठक से फ़ोन बंद कर दिया। अल्लाह, ये तो तुमने बहुत ही ख़राब किया। मैं तो पहले ही कहती थी ये सारा ख़ानदान ही एरोगेंट है, पता नहीं अम्मी की क्यों जान है इनमें। अरे अब ऐसे बुरे लोग भी नहीं हैं, पता नहीं आज क्या हुआ है। बस बीबी अब तो ज़माना ही ऐसा आ गया है, तो क्या कर सकते हैं। नहीं दुनिया में अच्छे लोग भी हैं बुआ, ऐसी बात तो नहीं है। ये शायद अंकल की फैमिली थोड़ी सी अजीब सी है, पता मसला क्या है, उन्हें ना अपनी दौलत का खुमार है, शायद नया नया है। खैर छोड़ो, किन बातों में हम पड़ गए हैं, आप क्यों परेशान हो रही हैं अम्मी? वाह इलायची दूना, वो क्या कहते हैं ना, तुम रूठे हम छूटे, ये क्यों? ये ले मुंह खोले इलायची का, और परेशान ना, कोई जरूरत नहीं आयदा इनको कॉल करने। छोटा सा पान बना दो ना बुआ, ये ले बना। तो मैं बना दे। इतनी देर लगा के आपने? बाबूशी नाश्ता करेगा? और ना ना, नाश्ता मैं करके आया हूँ, तो मैंने तो पता लेना था तेरा। ओ वैसे तेरा बेटा तेरा इलाज कहाँ से करा रहा है? सुना है बड़े वड्डे अस्पताल से इलाज करा रहा है तेरा। जी पा, अल्लाह का बड़ा करम है, अब मुझे बहुत आराम है। कौन से अस्पताल से करा रहा है इलाज? वो कोई खराती अस्पताल है? ना ना पा, शहर का बहुत बड़ा अस्पताल और बहुत बड़े और अच्छे डॉक्टर से। कमाल है भाई, फिर तो तू ही लेके गई होगी पैसे। मैंने तो सुना वो उधर कुछ भी नहीं करता, कोई काम धंधा नहीं और ना पढ़ाई, और जो तू पैसे भेजती है वो भी वो रंग रोगन खरीद लेता, एक अंडा वो भी गंदा। और मैंने सोचा था किसी काबुल हो जाएगा तो मैं उसे अपना जवाई बना लूंगा, पर उस नकम्मे को कौन देगा अपनी बेटी। बाप तुम सुगरा की शादी ना अपनी मर्जी से कर दो, मैं तो सिकंदर के लिए शहरी और पढ़ी लिखी बॉटी लेकर आऊंगी। और देख भरजाई, ये जो शहरी लोग होते हैं ना, और ये कंगलों को बेटियां नहीं देते, और वो भी पढ़ी लिखी। सिकंदर का बाप उसे कंगला छोड़ के नहीं मरा था पाया, तुम लोगों ने किया उसे कंगला। बल्ले भाई बल्ले भरजाई, आखिर तुम लोगों ने कंगला किया है। और पा मुनीर अपनी हयाती में सारी जमीन मेरे नामे कर गया था, और मेरे पास उसके कागज भी हैं पक्के। जो उस रब की रजा। पर ये तो मेरी नेकी है कि एक जमीन का टुकड़ा मैंने तुम लोगों को दे दिया, कि मेरी बेवा भरजाई का खर्चा निकलता रहे और उसका बेटा भी कुछ बन जाए। और मुझे पता होता वो इतना निकम्मा निकलेगा तो ये भी ना देता, वो बेच के खा जाएगा। ठीक है पा, हमारा भी रब वारिस। अभी भी मौका है भरजाई, उसको पूछ वो वापस आके मेरे साथ खेती बाड़ी संभाल ले, और मैं अपनी सुगरां की शादी उससे कर दूंगा। भला
अपने भतीजे से बढ़ के किसका हक है? चंगा भरजाई, पूछ के बता देना मुझे, रब रखा। बड़ा इंटरेस्टिंग ब्रिज का मैप बना रहा हूँ। कंप्लीट होगा तो दिखाऊंगा, तो अभी नहीं। अच्छा ही होगा, ऐसे तो नहीं स्कॉलरशिप जीता तुमने। स्कॉलरशिप की वजह से ही तो मुझे ब्रिज बनाने का ख्याल आया। एक ऐसा पुल जो जिंदगी को खाबों से गुजार के ताबीर से मिला था। शायर हो ना, बातों में शायरी है और शायरी में आर्ट और आर्ट में आर्किटेक्चर। जो तुमसे मिला ना प्रैक्टिकल होता जा रहा, बस ये सोचता हूँ कि तुम्हें कुछ दे पाऊंगा भी कि नहीं। जो तुम्हारे पास है काफी है मेरे लिए, लेकिन जिंदगी शायरी के सहारे नहीं गुजरती। जानता हूं अभी मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा होपफुल हूं। स्कॉलरशिप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना, लेकिन मेरे पास सब कुछ होगा। है ना, सब कुछ तो तुम्हारे शाने शान है। ब्रिज गिर जाए? गिरने नहीं दूंगा, पापों का पुल है। तुम्हारी अम्मी कब आ रही है? पता नहीं, अभी तो गई है। क्यों, खैरियत? मुझे लगता है कि तुम्हें उन्हें बुला लेना चाहिए और रिश्ते के लिए सलमा के घर भेज दो। मुझे नहीं लगता कि उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा वेट करेंगे। सलमा ने तो कहा है कि जब तक उसकी तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती उसके घर वाले उसका रिश्ता नहीं करेंगे। हाँ, सलमा को ऐसा ही लगता है, मगर मुझे लगता है कि आतिफ किसी ना किसी तरह उन्हें कन्विंस कर लेगा। और तुम जानते हो कि आतिफ की प्रोफाइल ऐसी है कि उसे इग्नोर करना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन तुम देख सकती हो ना कि अभी मैं इस काबिल नहीं हूँ कि उसे घर अपना रिश्ता भेजो। कुछ बन जाता तो बात और थी। तुम्हारे पास इतनी अच्छी स्कॉलरशिप है, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, और अभी तो सिर्फ रिश्ता भेजना है तुम्हें। सारी जिंदगी पछताने से बेहतर है कि अभी हिम्मत कर लो। और जो ही मुझे वजीफे की रकम मिलेगी आपको लाहौर बुलवाऊंगा, खूब घुमाऊं फिराऊंगा, और आपको सलमा के घर भी तो जाना होगा। वादा किया था ना आपने, आपकी दुआओं का तालब, आपका बेटा सिकंदर। दर मेरा पुत्र, मैं भी बहुत खुश हूं। जी हाँ, ये क्या मतलब? सर, ये मेरे अकेले का डिसीजन तो है नहीं, कॉलेज के फैसले को बदलना काफी मुश्किल काम होता है। आप तो जानते हैं ना सर, बहुत बेहतर जानते हैं।
भाई आपका ऑफ वाइट गोल्ड इतना प्यारा लग रहा है, है ना? बहुत अच्छा, बहुत लेकिन अच्छा। मिसेस खान, आपकी साड़ियों की कलेक्शन क्या बात? अच्छा इस बात को तो छोड़ो, ये बताओ कि सलमा आजकल क्या कर रही है, उसके रिश्ते की कहीं बात चलाई? अभी कहा, रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन उसके अब्बा कहते हैं कि पहले वो तालीम मुकम्मल करेगी तो फिर सोचूंगा। मैं पहले सलमा से तो पूछ लीजिए, क्या पता उसने अपने बारे में कुछ और सोच के रखा हो और माँ बाप को जहमत ही ना उठानी पड़े। क्या मतलब आपका? मेरा मतलब ये है कि आपकी बेटी अपने लिए रिश्ता तलाश कर चुकी है। मेरे बेटे ने खुद उसको देखा था किसी लड़के के साथ पार्क में मिलते हुए। या आप मेरी बेटी पे बहुतान लगा रही हैं, हम इस किस्म के लोग नहीं हैं कि हमारी बेटी पार्कों में लड़कों से मिलती फिरे। अच्छा आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप उसकी दोस्त मुनीजा से पूछ लीजिए ना, वो वहां थी, बल्कि लड़के की माँ भी वहां थी। आप अच्छे रिश्तों के इंतजार में बैठी रहिएगा और आपकी बेटी ने लड़के की माँ से मिल के रिश्ता तय भी कर दिया है। भाई मेरा काम था आपको आगाह करना, बाकी आप लोगों की मर्जी। खैर आप कुछ लीजिए ना। ये बातें तो होती रहेंगी। क्या होंगी? चलो तो सही तुम। क्यों? लड़का कौन था जिसे तुम पार्क में मिली थी? पार्क में? हाँ पार्क में। मुझे गुड़ दिया था उसकी माँ ने दिया था तुम्हें? तुमने मुझसे झूठ बोला है सलमा। ये सच भी सुन ली मैंने। कैसा सच? मैं सिकंदर को पसंद करती। क्या पसंद करती हूँ उसे? इसी बात का डर था मुझे, लेकिन तुम इतनी बेवकूफ निकलोगी ये मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं अब मिले बगैर उससे कैसे डिसाइड करी? हम मिल तो ले। दुनिया देखी है मैंने कि जो गरीबों के लड़के होते हैं ना, ये अमीरों की बेटियों को सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल करते हैं। मैं पैसे की परवाह नहीं है मुझे, ना वो लालची है, बहुत खुददार लड़का है वो। ओहो तो ये चारा डाला है उसने तुम्हें? इतना खुददार था तो अपने तबके की कोई लड़की क्यों नहीं पसंद कर ली उसने? तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा? अम्मी वो मेरे पीछे नहीं पड़ा, अच्छी फैमिली का लड़का है, मैं उसकी माँ से मिली हूँ। गरीब है तो क्या हुआ? गरीब है तो क्या हुआ? गुर्बत देखी है कभी तुमने? अंदाजा है तुम्हें गुर्बत होती क्या है? एक पैसे की तंगी तुमने कभी नहीं देखी। चार दिन तुम उसके साथ गुजारा नहीं कर पाओगी। तो रिश्ते कैसे पैसों से बनते हुए? पैसों से बने ना बने, लेकिन पैसों की कमी की वजह से टूट जरूर जाते हैं। पैसा हो और मोहब्बत ना हो तो भी तो रिश्ते टूट जाते हैं। ये किताबी बातों से जिंदगी नहीं चलती है। जिस लाइफस्टाइल की तुम आदि हो वो कहाँ मिलेगा तुम्हें उस गरीब घर में? अम्मी वो बहुत काबिल है, मुझे पूरा यकीन है बहुत आगे जाएगा, एक बार उससे मिलके देखें आप। जिस रास्ते जाना नहीं उसके कदम क्यों गिनूं मैं? तुम्हें मालूम इस वक्त शहर के अमीर तरीन खानदानों से रिश्ते आ रहे हैं तुम्हारे लिए? तो मुझे पागल कुत्ते ने काटा कि मैं उस गरीब घर में ब्याह दूं तुम्हें?
क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ऐसे कह रही थी कि घर के काम काज में हाथ बटाया करे, कल को शादी करनी है उसकी। जब देखो पेंटिंग्स लेके बैठी रहती है। आप बैठे, मैं खाना लगवाती हूँ। सलाम बेटे। क्या हुआ? हाँ? शाम को कुछ हुआ था? क्या होना था तुम बताओ, मुझे क्या पता क्या हुआ क्या होना है। जो हुआ है मैं उसे रोकती रही, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। और अब जो होना है सोच रही हूँ कि उसे कैसे रोकूंगी। सलमा की बात कर रही? आपको वो लड़का याद है जिसका फाइन भरा था उस टाइम? कहती है वो उसे पसंद करती है। क्या सलमा ने ये कहा? ये नहीं हो सकता। आपका यही एतमाद ले डूबा है। सलमा ये कह नहीं सकती, सलमा ये कर नहीं सकती। मैं कहती थी ना, मना किया था मैंने कि लड़कों के साथ मत पढ़ाओ बेटी को, देख लिया नतीजा। ऐसे ही ना नतीजे निकाल के बैठ जाओ भाई। पसंद करती है तो पसंदीदगी से क्या होता है? क्या होता है? माँ बाप की नाक कटती है, खुद उस लड़की की अपनी जिंदगी बर्बाद होती है इसी पसंदीदगी के पीछे। गांव का एक मामूली गरीब सा लड़का है जिससे शादी के ख्वाब देख रही है। सलमा इमेच्योर है, जिंदगी से उसका वास्ता नहीं पड़ा। ख्वाबों ख्यालों की दुनिया उसकी। पर से उसे आर्ट पढ़ने पे लगा दी। सलमा मेरी बेटी है, मैं उससे बात करूंगा, समझाऊंगा, समझ जाएगी। तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं ला करे, कुछ ना हो, कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? सब ठीक है? अम्मी को हम दोनों के बारे में पता चल गया। फिर क्या? बता दिया मैंने उन्हें हम दोनों के बारे में सच सच। तो क्या नाराज तो बात हुई? हाँ, अम्मा आना चाह रही थी तुम लोगों के घर। मैं उनको भेजूं कि नहीं भेजूं? अभी नहीं, पहले मैं अब्बा से बात करूं। तुम खुद उनसे बात करोगी? दोस्ती अब्बा से बात, मेरी किसी बात को नहीं टालते। ठीक है, लेकिन ये कोई आम बात नहीं है। वो तुम्हारी बात मान जाएंगे, मेरा मतलब है कोई एतराज तो नहीं करेंगे? अब्बा ने मेरी कभी किसी बात से इनकार नहीं किया। अम्मी और तरह की हैं, लेकिन अब्बा मेरी हर बात सुनते। मेरे पास तुम्हें देने के लिए फिलहाल कुछ नहीं, लेकिन ये स्कॉलरशिप मिलने दो, मैं बाहर चला जाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ हासिल करूंगा तुम्हारे लिए, वो सब कुछ जो तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं। मैं जानती हूँ, और मुझे इन चीजों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मम्मी परेशान होती है, माँ है ना यार, वो तो सोचेंगे।
उनको ऐसा लगता है कि हम दोनों के खानदानों में बहुत फर्क है, हमारा लाइफस्टाइल डिफरेंट है, पता नहीं मैं एडजस्ट कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन कैसे समझाऊं उन्हें कि जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अंदाजा नहीं है मैं तुम्हारी बातों की कितनी कदर करता है। सलमा मेरी हर ख्वाहिश, हर ख्वाब, मेरी हर कोशिश का रास्ता तुम तक जाता है सलमा, सिर्फ तुम तक। शायरी लफ्जों की मुसव्विरी है, मुसव्विर का तखय्युल आम लोगों से इतना मुख्तलिफ और इतना जानदार होना चाहिए कि वो एक लफ्ज ले और उस एक लफ्ज पे पूरी तस्वीर मुसव्वर कर दे। फैज साहब की एक नज्म मैं आपको सुनाता हूं, आप उसे सुने, एब्जॉर्ब करें, फील करें, और मैं बयान करूंगा और आप उस पर तस्वीर बनाएंगे। वो कुछ यूं है, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बाद नसीम, जैसे सहराओं में हौले से चले बाद नसीम, जैसे बीमार होके मुझे करार। तुम जाओ, मैं आती हूँ। क्या हुआ, यहाँ इस तरह से क्यों बैठी हो? मैंने क्लास में भी नोट किया, सिकंदर भी परेशान लग रहा था और तुम भी। खैरियत तो है ना? अम्मी को सिकंदर के बारे में पता चल गया। कैसे? वो पेंटिंग देख ली उन्होंने? आतिफ की माँ ने बताया। क्या बताया उन्होंने? आतिफ ने कहीं देख लिया सिकंदर और उसकी माँ के साथ मुझे। उसका घटियापन देखो, जाके अपनी माँ को बताया, उसकी माँ ने मेरी अम्मी को कॉल किए और ताने दिए कि आपकी बेटी तो ऐसी है, आपकी बेटी तो वैसी। मेरे से बहुत ही घटिया हरकत किया उन्होंने। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है, ये होता कौन है मेरे साथी मामला में दखल देने वाला? मैंने अम्मी को बता ही देना था, मतलब इतनी जल्दी नहीं यार। पर चलो, एक लिहाज से अच्छा ही हुआ ना, तुमने भी तो एक ना एक दिन बताना ही था। मुनीजा, मैं खुद बताती ना तो और बात थी, किसी तीसरे से पता चला उन्हें दुख हुआ है, बुरा लगा उन्हें। लेकिन मुझे बात की समझ नहीं आ रही कि ये वहां क्या कर रहा था। क्या मतलब है क्या कर रहा था? पब्लिक प्लेसेस पे इतने सारे लोग होते हैं, कोई भी कहीं भी हो सकता है। मुझे लगता है ये मेरा पीछा कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी कर ले, शादी तो नहीं मैं करने वाली इससे, गलत फहमी है इसकी, नफरत है मुझे इस इंसान से। सलमा। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। इधर आओ। जी अबू। मैंने तुमसे बात करनी है। तुम्हारी माँ ने मुझसे बात की है,
उस लड़के के बारे में। क्या ये सच? मुझे सारी बात बताओ। मम्मी को सब पता था। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता। लास्ट फिल्म है मेरा, मैंने जिक्र किया था आपसे पहले भी, आप वाकिफ हैं उससे, सिकंदर टर्म इस खानदान से। बहुत अच्छे खानदान से, ज्यादा अमीर नहीं है लेकिन शराफत और खानदानी पन है। पीछे से गांव का रहने वाला है, पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट है, वो आप जैसा है, नर्म मिजाज, औरतों की इज्जत करने वाला। तुम उससे शादी करना चाहती? समझ हो मैं शादी ब्याह की उलझन में नहीं पड़ना चाहिए, और वो भी तो पढ़ रहा है। मैं किस तरह अपनी बेटी को एक ऐसे शख्स के हाथ में थमा दूं जिसके मुस्तकबिल का ही अभी कुछ नहीं पता। अब्बा स्कॉलरशिप मिला है उसे, बहुत जल्द वो बाहर चला जाएगा, उसकी फील्ड में बहुत स्कोप है इसके लिए। उन चीजों से शादी नहीं बनती भाई, ये ब्रिलियंस, ये स्कोप, शादियों के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। वही सब कुछ तो देखा है बाप। मैंने कहा ना तुम्हें, तुम अभी ना समझो, लोगों की पहचान नहीं है तुम्हें। अब्बा एक बार आप उस लड़के से उसकी मां से मिले, मायूस से ही होंगे। मां से मिल चुकी उनको? मुझे सोचने का मौका दो। मैं सोच समझ कर फैसला करना चाहता हूं।
मैं ग्रीन हूं।